चलिए फिर से तब आइए चतुर्भुज पढ़ना है। चतुर्भुज में आपको पढ़ाएंगे आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज और काई पतंग। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरालेलोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, साइक्लिक क्वार्टिल हो गया और काइट हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आइए, इसके चारों कोनों का जोगफल होता है कितना डिग्री? 360 डिग्री। चलिए अगला, इसमें दो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर हो भी सकता है, विकर्ण बराबर नहीं भी हो सकता है, भुजा पर डिपेंड करेगा। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सबसे पहले आधार गुना ऊंचाई, जब ऊंचाई दिया हो। ऊंचाई का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, ऊंचाई उसको कहते हैं जो शीर्ष से होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, या दो भुजा के बीच का डिस्टेंस भी ऊंचाई कहलाता है, दो भुजा के बीच का दूरी भी क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। चलिए दूसरा हम लोग यूज करेंगे 1/2 × d1 × d2 × sin थीटा। जैसे इसमें करते थे ना, 1/2 दोनों भुजा का गुणनफल और साइन थीटा, उसी तरह इसमें भी विकर्ण पर। यहाँ d1 d2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? विकर्ण को, डायगोनल को। तीसरा, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जोगफल ही क्या कहलाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 + एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीन तरह का यूज करेंगे, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? चतुर्भुज का। देख करके एग्जाम्पल देख लिया जाए। इसके बीच का दूरी, चलिए इसको स्पष्ट होने के लिए यहाँ पर डाल देते हैं। अब तो ये हाइट कहलाएगा ना। चलिए इसका एरिया बताइए कितना हो जाएगा? तो बेस इनटू हाइट यानी 30 गुना क्या चीज? 12। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, शर्त ये है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। अब मान ली कि ये भुजा 30 था, ऊपर वाला भुजा मान ली 15 ही रहता, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, तब फिर दो त्रिभुज में बांट के निकालना पड़ा। इसमें मतलब बेस इनटू हाइट कब करिएगा? हाँ, जब आमने सामने का साइड बराबर हो तब ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते।
चलिए आंसर बोलिए। ये देखिए PQ क्या है, दो भुजा के बीच का डिस्टेंस है, तो ये भी हाइट कहलाता है, ये भी आपको क्या कहलाएगा, ऊंचाई का। अब वही बात है, एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे। हाँ एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करिएगा, बेस इंटू हाइट। तो एक तरफ से बेस कितना 20 और ऊंचाई बोलिए कितना 12, दूसरे तरफ से बेस कितना 15 और ऊंचाई मान लीजिए क्या चीज। हाँ तो ऊंचाई का काम कर देगा कौन, आर एस कर दो, तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई कितना बार कट जाएगा, 16 बार, तो आर एस का मान हो जाएगा। चलिए इसका एरिया बताइए। हाँ तो 1/2 इंटू 20 गुना 30 गुना साइन 60 डिग्री। √3/2 ना, तो आंसर हो गया 150 √3। हाँ हाँ कोई दोनों के बीच का कोई भी एंगल, यहाँ पर एंगल हो, यहाँ पर हो, कहीं पर हो, ऐसे तो आमने सामने का एंगल बराबर ही होता है, तो कोई एक वो एंगल दे दे, कोई एक एंगल, मान ली कि दे दिया कितना 60, तो ये हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा, कोई भी एक एंगल देना चाहिए। जैसे आयत में ही लीजिए ना, मान लीजिए रेक्टेंगल ही बना देते हैं, चलिए आपका आयत है। अब आयत में मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं दिया है, कोई एक इसमें एंगल दे दिया जाए, ये मान लीजिए कि आयत है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और यह एंगल आपको कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिए तब आयत हो गया। अब कहीं पर एक एंगल आप दे दीजिए, जहाँ मन है वहाँ पर एंगल दे दीजिए, बोलिए कहाँ पर एंगल आपको दे दे, यहीं पर हम एक एंगल आपको दे देते हैं, यह एंगल कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए कि 30 डिग्री। अच्छा दोनों आपको ये देना पड़ेगा, विकर्ण देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, मान लिया जाए क्या चीज़ ओ, या दे देते हैं मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर। अब बोलिए इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं। आए चलिए तो देखिए, यह आपको क्या चीज़ है, आयत है, तो ई 5 तो ई भी 5, ई 5 तो ई भी 5, तो दोनों विकर्ण पता है। अब हमको यह एंगल, कोई एक एंगल निकालने चाहे तो यह वाला चाहे यह वाला, जो मर्जी है कोई एगो निकाल लीजिए, बात बराबर पड़ेगा।
प्राय हम यही निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल ही निकाल लेते हैं। तेईस होगा कि नहीं, क्यों? ये दोनों भुजा बराबर है तो 30 30 60 तो ही कितना, 120। अब आप निकाल लीजिए, एरिया हो गया 1/2 इंटू 10 इंटू साइन कितना डिग्री। हाँ, साइन 120 का मान याद रहेंगे तो साइन 60 रख दीजिए, बात बराबर ही पड़ेगा। चलिए, साइन कितना डिग्री, 120। 120 में आपको झंझट लगता है तो ये 120 है, तो ये बगल वाला कितना हो जाएगा, 120 मत रखिए, 60 रख दीजिए, दोनों तो एक ही आंसर देगा। चलिए, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 50 ना, आई हो जाएगा √3/2, आंसर हो जाएगा 25। ये एंगल है आपको कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए, एरिया बताइए, या हम ऐसा करते, ये एंगल आपको दे दिए कितना डिग्री, 90 डिग्री, यह एंगल हम आपको दे देते 60 डिग्री। कहा जाता है किसका एरिया बताइए, नहीं बोलिए, भुजा अलग अलग है कि बराबर बराबर, अलग अलग है। ये भुजा तो पता चलेगा भी नहीं कि कितना होगा, तो अब यहाँ पर इसीलिए तो एंगल दिया गया है, एंगल का यूज करिए। तो आइए सबसे पहले ये बताइए, अब इसको दो त्रिभुज में बांट का एरिया निकालना पड़ेगा, ये आपका कितना है 60, तो ये दोनों एंगल बता सकते हैं कितना कितना, 60 60। क्यों? तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो 120 में दोनों बराबर बराबर 60 60। तो ये जो त्रिभुज हो गया, कौन त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हम इजीली निकाल लेंगे। आप बोलिए ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी कितना, चूँकि तीनों कोण बराबर है। अब यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये 6 है, 10 है, तो ये बोलिए 8। अब एरिया निकाल कर दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो पहले वाले के एरिया का फॉर्मूला बोलिए, √3/4 × 10² और अगले वाले का 1/2 × 20 × 5, 6 × 8। चलिए, पहला हो गया 25√3 प्लस दूसरा बोलिए 24, और यही आपका क्या हो गया। अब √3 का मान देगा तो मान बैठा के आगे लिखा जा सकता है, ये ऑप्शन ऐसा ही देगा। तो एरिया के लिए तीन तरह का हमको यूज करना है, पहला बेस इंटू हाइट, दूसरा मतलब विकर्ण के बीच का एंगल दे दे तो 1/2 × d1 × d2 × sin θ, और तीसरा कभी कभी आपको दो त्रिभुज में बांट करके ही निकालना पड़ता है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, आइए कुछ विकर्ण से ही रिलेटेड और भी बात देख लिया जाए।
चलिए इसका मतलब समझा गया। हाँ, चार त्रिभुज है, चारों का एरिया, तो इसके बीच का रिलेशन है पता। हाँ, आमने सामने के एरिया का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ये जो भी शुरू में इंट्रोडक्शन बता रहे हैं तो सब त्रिभुज के लिए, ये नहीं है कि मतलब किसी खास के लिए, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। तो क्या लिख दिया जाए, ए वन इंटू ए थ्री बराबर ए टू इंटू ए। आ जाए जाए एग्जाम्पल एक देख लिया जाए। चलिए इसका एरिया लिख देते हैं कितना, 50। इसका एरिया लिख देते हैं 60। इसका एरिया लिख देते हैं 30। चलिए इसका एरिया बताइए। कितना हो जाएगा, तो 50 गुना 30 बराबर 60 गुना। तो एक्स बराबर हो जाएगा, चलिए देखिए, दो त्रिभुज में बटा हुआ है ना, एक हो गया ए बी डी और एक हो गया बी सी डी। हाँ, पहला त्रिभुज का नाम तो बोला जाए ए बी डी, दूसरा हो गया बी सी डी। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात वह चलता है, देखिए ऐसे यहाँ से एक त्रिभुज बना दे अथी दूसरा का विकर्ण बना देते हैं। इसके विकर्ण के रेशियो पर डिपेंड करेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं वो, तो यही दोनों का जो रेशियो है इसके एरिया का रेशियो बन जाता है। तो ये क्या बटा क्या लिख दें, ओ ए बटा क्या चीज़ ऐसे। अब मान लिया जाए इधर वाला त्रिभुज का, आ जाइए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों का रेशियो जो होगा किस पर डिपेंड कर देगा, तो उसी तरह ओ बी और क्या चीज़ बॉडी का, ये दोनों का रेशियो इसके क्षेत्रफल का रेशियो हो जाता है। इसीलिए ना क्षेत्रफल का गुणनफल बराबर हो जाता है, इसी के कारण क्षेत्रफल का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर। अब आइए, चतुर्भुज है, भुजा बराबर हो भी सकता है, भुजा बराबर नहीं भी हो सकता है। अब क्या करना है कि इसके अंदर में कोई पॉइंट लीजिए, कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। अभी पॉइंट से इसके चारों कॉर्नर को मिला दीजिए, इस पॉइंट से इसके चारों कॉर्नर को मिला दीजिए। जैसे एक कॉर्नर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये। अब
अब मान ले कि यह दे दे ए, यह दे दे बी, यह दे दे सी, यह दे दे डी। चलिए तो इसका कंसेप्ट है पता ना, ए स्क्वायर में चलता है। नहीं हाँ वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे चलता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस। अब देखिए यह आपका क्या चीज है, आयत है, यह आपका आयत। चलिए अभी विकर्ण नहीं ना लग रहा है, विकर्ण नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ कुछ दे देगा, कितना कितना लिख दिया जाए, 6 8 से 100 हो जाएगा, और 100 में से कितना घटा दिया जाए ताकि रूट निकल जाए। अच्छा छोड़िए, कुछ रहे 5x। अब आपको x का मान निकालना। हाँ तो वैसे ही चलेगा, 6² + 8² बराबर 5² + x², तो एक्स स्क्वायर का मान बोलिए 75, एक्स का मान हो जाएगा √75, मतलब 5 रूट। उसी तरह अब मान ली कि एरिया दे देगा, इसका एरिया देगा, इसका एरिया देगा, इसका दे देगा, किसी एगो का एरिया निकालने कहेगा, तो एरिया में क्या बराबर होता है, गुणनफल आपको बराबर होता है। हाँ फॉर ऑल ट्रें, फॉर ऑल क्वाड्रेंट, मतलब ये जो शुरू में जो बता रहे हैं, हम खास थोड़े बता रहे हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। अभी जब खत्म होगा इंट्रोडक्शन तब चलेगा सेपरेट सेपरेट, आयत का अलग, वर्ग का अलग। अभी जो बता रहे हो सब पर लागू होगा। बोलिए क्या चीज। तो जब सब का पता चल ही जाएगा तब तो जोड़ दीजिएगा चारों, इसमें के गो चतुर्भुज त्रिभुज है, 4 गो, चारों को जोड़ दीजिए। अच्छा ऐसा भी लिया जा सकता है, ये जो पॉइंट ले रहे हैं वो चतुर्भुज के अंदर में कि बाहर में, बाहर में भी आप पॉइंट ले सकते हैं, ये जो पॉइंट इसका है आप बाहर में भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइंट अंदर में लीजिए, आप बाहर में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, आ इससे आप मिला दीजिए इसके सारे क्या चीज़ को, सारे मतलब कॉर्नर को यानी वर्टेक्स को, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ से यहाँ, इसमें भी वही रूल काम कर जाएगा सेम। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बोलिए क्या बराबर क्या लिखेगा। हाँ वो ए स्क्वायर प्लस बोलिए ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसमें भी काम करेगा। या पॉइंट चतुर्भुज के अंदर भी हो सकता है, चतुर्भुज के बाहर भी हो सकता
बोलिए यह थीटा का मान कितना, मतलब रिलेटेड होगा, ऐसा कोई 60, 90, 45 नहीं, मतलब ये चारों से रिलेटेड होगा। कौनों चतुर्भुज, हम तो अभी जनरल क्वाड्रेटर पढ़ा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक थोड़े पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यह जो होता है ये दोनों के जोगफल का आधा होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी का आधा होता है। याद रखिएगा जब भी एंगल निकालना है तो ये जो दोनों एंगल होता है ना इसके जोगफल का यह आधा है। ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं, चारों कोणों का जोगफल 360 होता है ना, ये सब मान लेना होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा कुछ, यहाँ अल्फा मान लीजिए, यहाँ क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा एक अथी डी माइनस अल्फा, ये हो जाएगा सी माइनस अल्फा। अब पूरा लिखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना, 360। अब इस सी डी को अल्फा बीटा में बदल दीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा। अब फिर एक्स इसको निकालना है तो 180 में से अल्फा प्लस बीटा घटा देंगे, तो इस तरह का रिलेशन। कितना टाइम हो गया, 8 बज गया। चलिए थीटा का मान बोला जाए, कितना हो जाएगा, ये दोनों के जोगफल का आधा होता है। यह हो गया आपको कितना डिग्री, 70। चलिए रहने दिया जाए, फिर कल चलेगा क्या, घर जाना है, मतलब घर जाना है, आज जाना है कि कल, तो कल जाना है तो सुबह पढ़ के चल जाइएगा। बोरिया बिस्तर लेके आइएगा, इधर से पढ़ के चल जाइएगा। चलिए तो कल पढ़ा के छुट्टी कर देंगे।